गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। हमने जैसा कि कल से ही शुरू किया है, यानी कि 22 मई 2024 से हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स पर डेडिकेटेड एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम मंडे से थर्सडे तक आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। और उस मंडे से थर्सडे तक का जो हमारा शेड्यूल होगा वो कुछ ऐसा होगा, मंडे को दोपहर को 3 बजे हम लेकर के आपके लिए आएंगे छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको सब्जेक्टिव वाइज। उसके बाद जब हम दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे के दोपहर को 3 बजे आप सभी के सामने उपस्थित होंगे, उस समय हम लेकर के आएंगे वही जो मंडे में हम डील किए होंगे करंट अफेयर्स उसके उस पर बेस्ड एमसीक्यूज। उसके बाद वेंसडे को यानी कि उसके अगले दिन हम लेकर के आएंगे आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और थर्सडे को हम लेकर के आएंगे आपके लिए वही नेशनल और इंटरनेशनल पर बेस्ड क्या MCQs। ये जो सीरीज है ये हमने शुरू किया है 22 मई 2024 से, यानी कि कल। और कल हमने डील किया था नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सब्जेक्टिव वे में। आज हम करने वाले हैं क्या, उसी पर बेस हमारे MCQs को सॉल्व, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा वो है विच अमंग्स द फॉलोइंग पेयर बिकेम टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। मतलब निम्न में से कौन सी जोड़ी क्रमशः विश्व और भारत का शीर्ष विद्यालय बनी है, है ना। हमको मतलब ये बताना है कि दुनिया का सबसे पहला जो रैंक मिला है यूनिवर्सिटी का वो कौन सा है, और दूसरा हमें ये बताना है भारत का जो सबसे शीर्ष संस्थान है विश्वविद्यालय का वो किसे प्राप्त हुआ है। और ये दोनों ही हमें बताना है किस आधार पर, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो हाल ही में जारी हुई है जिसे हमने कल ही पढ़ा है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे, क्या ये ऑप्शन नंबर ए होगा स्टैनफोर्ड एंड IIM अहमदाबाद, क्या ये दूसरा ऑप्शन होगा हार्वर्ड एंड IIM अहमदाबाद, क्या ये ऑप्शन नंबर सी होगा कैम्ब्रिज एंड IISc, या फिर ये ऑप्शन डी होगा हार्वर्ड एंड IISc। IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में है। इसके बाद में आपके पास IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप सभी को ये पता होगा। आप लोगों को जवाब देना है, आप अपने पास में एक कॉपी रख लीजिए या फिर आप अपने पास में आपके पास में ये वीडियो है इसके इसे पॉज कीजिए और कमेंट में ऑप्शंस बताइए। आपका स्व अवलोकन होगा इस पूरे वीडियो को खत्म करने के बाद में, आप लोग अपना स्व अवलोकन करेंगे कि कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं और कितने सवालों में आप लैग कर रहे हैं। एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने से पहले जो हमने कल वीडियो डाला है यानी कि 22 मई को जो हमने वीडियो डाला है, आप लोग एक बार उसे देख लेंगे ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, हार्वर्ड और IIM। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया की सबसे शीर्ष विश्वविद्यालय का इसे क्या मिला है, रैंक जारी हुआ है, यानी कि फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड। और जो इंडिया में है वो है कौन, IIM अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद इन द रिसेंटली रिलीज्ड सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। अब यहां पर किसकी रैंक पूछ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और IIM अहमदाबाद। आप लोगों को पता है हमारा जो ये डेटा रिलीज हुआ है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारत के 64 यूनिवर्सिटीज को क्या मिली है, जगह मिली है, 64 यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है, और इनमें IISc और IIM अहमदाबाद दोनों ही शामिल हैं। एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। तो फर्स्ट को हमने देख लिया कि IIM अहमदाबाद हमारे इंडिया का फर्स्ट क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी है, और दूसरा हो गया IISc। अब आपको यह बताना है कि इनका रैंकिंग क्या रहा है इसमें, है ना। तो क्या ये 410, 501 रेस्पेक्टिवली है, या 501 और 410वां रैंक रेस्पेक्टिवली है, क्या ये 419, 509 है, या 509 और 419 है, ये आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 501वां जो आपको रैंक मिला है वो मिला है किसको, IISc को, और 410वां रैंक मिला है किसको, IIM अहमदाबाद को। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। अब हमने रैंकिंग देख ली विश्व के एवं भारत के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों को देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट CWUR यानी कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में क्या सत्य है, पूछ रहा है सच क्या है। इसे जिनेवा से जारी किया गया, यह दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की अकादमिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों तरह की रैंकिंग जारी करता है। 2024 में भारत से 64 संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया और डी ऑप्शन है, IIT मद्रास भारत का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है। अब हमारे पास में ये तो ऑप्शंस हो गए, ये ऑप्शंस नहीं है स्टेटमेंट्स है, इनमें से क्या सच है पूछ रहा है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है इसके ऑप्शंस हम यहां पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली वन, ऑप्शन नंबर बी वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन नंबर सी वन थ्री एंड फोर, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। मतलब क्या है, क्या केवल एक सही है कि इसे जिनेवा से जारी किया गया है, या एक और तीन सही है, एक और तीन 2024 में 64 भारतीय संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया, या फिर एक तीन और चार यानी कि जिनेवा से भी जारी किया गया 64 भी है और IIT मद्रास भारत का शीर्षस्थ विश्वविद्यालय बन गया है, क्या ये तीनों सही है या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या ये कथन सत्य है, इसे जिनेवा से जारी किया गया है तो बिल्कुल नहीं। क्या यह दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की अकादमिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह की रैंकिंग जारी करता है, नहीं ये भी गलत है, इसे जारी किया गया है यूनाइटेड अरब एमीरात से और ये केवल अकादमिक क्या करता है, अकादमिक रैंकिंग ही जारी करता है विश्वविद्यालयों की। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास में क्या हो गए, गलत हो गए, तो ए गलत हो गया और बी गलत हो गया। इसके बाद में हम चौथा देख लेते हैं, क्या IIT मद्रास भारत का शीर्षस्थ विश्वविद्यालय बना है, तो नहीं ये भी गलत है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2024 में 64 भारतीय संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया है, ये एकमात्र स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका क्या, नन ऑफ द अबव। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्वे देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन पोटेंशियल जॉब्स इन IT सेक्टर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रिब्यूटेड टू इट। एक ताजा सर्वे के मुताबिक भारत में IT सेक्टर में संभावित नौकरियों में भारी बढ़ोतरी हुई है, निम्नलिखित में किसे इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इंक्रीज इन बिग डेटा सर्विसेज, मतलब बिग डेटा सेवाओं में वृद्धि होना, क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग में वृद्धि होना, इंक्रीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या ये इंक्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवाओं में वृद्धि होना, या फिर ये ऑल ऑफ द अबव है। इसका आंसर आप लोग देंगे भाई तुरंत, चाहे कमेंट सेक्शन में दें, चाहे आप अपनी कॉपीज में लिख करके अपना स्व अवलोकन कीजिए। आप लोगों का अवलोकन होना जरूरी है, आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि आप कितने सही और कितने गलत बना रहे हैं। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। कल ही हमने पढ़ा था कि जो आपका IT सेक्टर में पोटेंशियल जॉब्स जो इंक्रीज हो रहे हैं उनके तीन मेजर कारण है, तीन प्रमुख कारण है, एक तो बिग डेटा जो सर्विसेज हैं उनमें वृद्धि होना, दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग में वृद्धि होना, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवाओं में वृद्धि होना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन एंशियंट लिटरेरी वर्क्स हैव बीन सिलेक्टेड
और रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर, है ना। कितने भारतीय प्राचीन साहित्यिक कार्यों को हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? जल्दी से इसका जवाब देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी। 3 हमारे जो आपके प्राचीन ग्रंथ है उन्हें यूनेस्को की इस लिस्ट में जारी किया गया है या फिर शामिल किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत्य को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के तहत शामिल किया गया है या फिर शामिल करने के लिए चुना गया है? तो आपसे पूछ रहा है इनमें से किन्हें किन्हें शामिल किया गया है। अब आप लोग चूज करेंगे एक एक करके भाई। क्या रामचरितमानस को किया गया है, सहृदय लोकन को किया गया है, पंचतंत्र को किया गया है या महाभारत को किया गया है? तब इसके बाद में आप लोगों के पास में ऑप्शन आ जाते हैं केवल 1, 1 और 2, 1, 2, 3 और ये चौथा जो आपका ऑप्शन है इसे बोला जा रहा है 1, 2, 3 और 4 सभी, 1, 2, 3 और 4 सभी। तो क्या ये रामचरितमानस है? बिल्कुल रामचरितमानस को इसमें शामिल किया गया है। क्या ये सहृदय लोकन है? बिल्कुल इसे भी किया गया है। क्या ये पंचतंत्र है? बिल्कुल इसे भी किया गया है, लेकिन महाभारत को नहीं किया गया है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। इन विच लैंग्वेज वॉज रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास? तो तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी में 16th century में जो रामचरितमानस का क्या किया गया, लेखन किया गया, वो किस भाषा में लिखा गया था? क्या वो संस्कृत भाषा है, क्या वो पाली भाषा है, क्या वो अवधी भाषा है या फिर वो हिंदी भाषा है? जल्दी से इसका जवाब देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई है वो किस भाषा में है? वो है आपका अवधी भाषा में। विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विथ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024, मतलब 1st of April सन 2023 से लेकर के आपके 31 मार्च 2024 तक के डेटा में हमारे जो हमारा सबसे शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। इससे पहले तक कौन हुआ करता था? बी, चाइना। मतलब चाइना ने अमेरिका को पछाड़ करके भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया है, ये व्यापारिक भागीदार बन गया है या फिर ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? NSSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदी में भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान या फिर संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकीय संगठन या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकीय कार्यालय। जल्दी से जवाब देंगे इसका। मेरे ख्याल से हर सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति इसका फुल फॉर्म जरूर जानता होगा। जो नहीं जानता होगा उसको हताश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो अपने तैयारी के बिल्कुल अभी बेसिक चरण में हो। हम इसीलिए ही आप लोगों के लिए ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं ताकि जो चीजें करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनको आप अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ में कंटिन्यूअसली डील करते रहे और अपने एग्जाम में एक्सेल करें, है ना। तो NSSO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सांख्यिकीय सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही आंसर, है ना। पहले ये हुआ करता था संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हाल ही में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसे ऑफिस कर दिया गया है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन पीपल ऑफ 15 और मोर इयर्स ऑफ द एज इन
लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब देखिए ये किसकी बात कर रहा है, लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके यही बताएंगे कि लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें वित्तीय वर्ष 2023-24 की, तो वो जो लास्ट क्वार्टर या फिर अंतिम जो त्रैमासिक आपका पार्ट होगा, पोर्शन होगा, वो कब से कब तक का होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यही कमेंट करके बताएं, उसके बाद में आप लोग इसका उत्तर देंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में 15 या अधिक वर्ष की आयु के लोगों में बेरोजगारी कितनी प्रतिशत रही है। क्या ये 6.7 रही है, 8.7 रही है, 7.7 रही है या फिर 9.7 रही है, इसका आप लोग जवाब देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.7% रही है क्या बेरोजगारी 15 वर्ष एवं उससे ज्यादा के लोगों का, किसमें, भारत में, कब, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंतिम तिमाही में। तो हमने क्या बोला, अप्रैल से कोई भी एक वित्तीय वर्ष शुरू होता है, मान लेते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं 2023-24 के वित्तीय वर्ष की, तो ये अप्रैल 2023 से चालू होगा, 1st of April 2023 से, और ये पहला जो इसका तिमाही होगा ये अप्रैल, मई और जून, ये तीन महीनों का होगा, उसके बाद में जुलाई और सितंबर, ये इसकी दूसरी तिमाही होगी, इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पूरा 2023 में ही चल रहा है, ये 2023 का ही क्या है महीने है, ये इनकी तीन तिमाही हो गई, और जो अंतिम तिमाही हो जाएगी वो आ जाएगा किसमें, 2024 में, और ये हो जाएगा आपका जनवरी से लेकर के मार्च 2024। तो ये है आपकी अंतिम तिमाही, और इसी में ही आपका ये सवाल पूछा गया है कि अंतिम जो आपका क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, अंतिम तिमाही, उसमें बेरोजगारी की प्रतिशत क्या रही है, ये रही है 6.7। और अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम आपके किसकी अंतिम तिमाही की या फिर लास्ट क्वार्टर, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च 2023, तो इसमें यही दर रही थी आपकी 6.8%। मतलब कितने की कमी आई है हमारे देश में, तो 0.1% की क्या आई है, इसमें कमी आई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When was the periodic labor force survey started? NSSO के द्वारा श्रम बल सर्वेक्षण कब शुरू किया गया, है ना, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कब शुरू किया गया था NSSO के द्वारा, इसका जवाब आप लोग देंगे। क्या 2017 में था, 2018 में, 2015 में या फिर 2020 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन जो पहले डेटा थे वो आए थे किसके, 2018 में, आपका जो तीसरी तिमाही थी, है ना, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2017 के जो आपके सॉरी 2018 के जो आपका डेटा था श्रम बल का, वहां से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना कब कर दी गई थी, 2017 में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। Which of the following statements are true about recently released work trend report? हाल ही में जारी कार्य प्रवृत्ति रिपोर्ट के बारे में कौन से कथन सत्य है, सत्य है पूछा जा रहा है, सही कौन कौन से हैं? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन है, रिपोर्ट के अनुसार 95% कामकाजी आबादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। फिर ऑप्शन नंबर सी, पिछले 6 महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोगकर्ता, मतलब यूजर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजर्स हैज डबल्ड इन लास्ट 6 मंथ, मतलब संख्या उनकी 2 गुनी हो गई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओनली यूज्ड इन सेलेक्टेड सिटीज, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल दुनिया के कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपयोग हो रहा है, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1 या फिर स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, इसे माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन द्वारा जारी किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है रिपोर्ट।
दूसरा क्या है, रिपोर्ट के अनुसार 95% कामकाजी आबादी एआई का उपयोग कर रही है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये 75% आबादी है। दुनिया की जो 75% आबादी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है। कौन सी आबादी? जो लोग एक्चुअल में वर्किंग है, श्रम बल के लोग क्या कर रहे हैं, 75% लोग एआई का यूज कर रहे हैं। क्या पिछले 6 महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगकर्ताओं की संख्या दुगनी हो गई है? बिल्कुल सही। पिछला जो 6 महीना रहा है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का उसके डेटा है ये, उसमें क्या हुआ है, दुगने हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले। इसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्या दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा शहरों में ही हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लगभग सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना शुरू हो गया है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है ना। हर चीज का एक पॉजिटिव और निगेटिव साइड हमको देखने मिलता है। हम कोशिश करेंगे एज सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, हमको हमेशा हर चीजों का सही उपयोग कैसे करना है यही देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी का यूज हम एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, रोजगार सृजन में कैसे कर सकते हैं, कौशल विकास में कैसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का विकास करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए हमको क्या करना है, अपना माइंड सेट रेडी करना है। क्योंकि भविष्य के आप क्या है, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो आप लोगों को देश के उत्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना आपको आना चाहिए, है ना। चलिए आगे चल, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या सही हो गए, 1 और 3 हमारे लिए क्या हो गए, सही। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आर ट्रू। आगे देखते हैं, मालती जोशी कंफर्ड पद्मश्री इन द ईयर 2018 हैज रिसेंटली डाइड फ्रॉम विच फील्ड शी वॉज रिलेटेड टू। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित मालती जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से है, हमको ये देखना है। तो आप बताएंगे ये कौन से क्षेत्र से थी, साहित्य के क्षेत्र से थी या समाज सेवा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से या फिर विज्ञान के क्षेत्र से, या फिर विज्ञान के क्षेत्र से ये रही है, ये आपको बताना है, ये विज्ञान है। तो इनका संबंध रहा है लिटरेचर से या फिर साहित्य से, है ना। ये हमारे भारत की एक बहुत प्रख्यात नॉवलिस्ट रही हुई हैं, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय। तो सबसे पहले तो आप लोग डीजीपी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे कि आखिर डीजीपी है क्या, और उसके बाद में आप लोग जवाब देंगे इस सवाल का। तो क्या ये अगाथा कोंगल संगमा है, क्या ये उत्तरगुरी संगमा है, उत्तरागुरी संगमा, या फिर ये डॉक्टर नेगिल अम्पारिन लिंडोंग है, या फिर ये इदा शिशा नांगरोंग है, नोंगरांग। जल्दी से अपना जवाब देंगे। तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर पुलिस के महानिदेशक। और ये होते हैं क्या, एक राज्य में पुलिस जो पूरी विभाग होती है उसके सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, कौन, डीजीपी। मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनने का गौरव किन्हें मिला है, तो ये है आपकी इदा शिशा नोंगरांग, ऑप्शन नंबर डी इदा शिशा नोंगरांग। ये आपका 1992 की आईपीएस ऑफिसर है, 1992 के बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए आगे चलते हैं, 1992 बैच ऑफिसर इदा शिशा नोंगरांग क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन मेघालय। टू विच ट्राइब डस शी बिलोंग, कौन सी जनजाति से इनका संबंध है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आखिर इनका इदा शिशा नोंगरांग जो है उनका संबंध किस जनजाति से है, ये आप लोगों को बताना है। क्या ये गारो से है, क्या ये खासी से है, या फिर ये जयंतिया से है, ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन है इसका ऑप्शन, कौन सा है इसका ऑप्शन, भैया बताएंगे। चलिए तो ये है आपकी खासी, खासी जो ट्राइब है उससे,
खासी ट्राइब से संबंध है इनका किनका, मेघालय की पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिनका नाम है क्या, इदा शीशा नोंगराम। इसी के साथ एक आप लोगों को क्वेश्चन और दे देता हूं जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इदा शीशा नोंगराम से पहले मेघालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन रहे हैं। इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, गूगल नहीं खोलना है, आप जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया है इसको और इसको भी आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में अभी किन्हें चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है, क्या ये सुबोध कुमार है, क्या ये वैष्णव राठी है, क्या ये गुलशन कुमार है या फिर ये प्रणय थवाइत है, है ना। यहाँ पर टिक कर रहा है इसका मतलब नहीं कि यही है ऑप्शन, प्रणय थवाइत को आप नहीं बना देंगे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर, है ना। तो बताइए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुमार, जो 2010 के तमिलनाडु के क्या है, 2010 बैच के तमिलनाडु के आईएएस ऑफिसर हैं, 2010 तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं कौन, सुबोध कुमार, और इन्हें बना दिया गया है क्या आयुष मंत्रालय का डायरेक्टर निदेशक। अब अगला क्वेश्चन आयुष से ही संबंधित है, आयुष मंत्रालय से ही संबंधित है, आयुष के अनुसार निम्न में से कौन सा बेजोड़ है, बेजोड़ नहीं यहां पर अनमैच्ड है, मतलब फाइंड द ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है ये, फाइंड द ऑड वन आउट मतलब इन चारों में से कोई तीन चीज ऐसी है जो आपके किससे संबंधित है, आयुष मंत्रालय से संबंधित है, और हमको देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आयुष के फुल फॉर्म से संबंधित है, आयुष के फुल फॉर्म से संबंधित है। तो ए से क्या है, आयुर्वेदा है, बिल्कुल सही है, बी से क्या है, योगा है, सॉरी वाई से क्या है, योगा है और नेचुरोपैथी है, यहां पे योगा है, बिल्कुल सही है, सी से सॉरी यू से क्या है, यू से यूनानी है, यहां पर है यूनानी, ये भी सही है, एस से क्या है, समाधि है, नहीं समाधि नहीं है, ये है आपका सिद्ध, एस से क्या है आपका सिद्ध, और एच से क्या है आपका होम्योपैथी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, और बाकी तीन हमारे लिए आंसर नहीं है क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है अनमैच्ड, या फिर इनमें से कौन फाइंड ऑड वन है, ऑड वन है इनमें से, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी समाधि। आगे चलते हैं, वेयर इज द चाबहार पोर्ट लोकेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम में आगामी एक वर्षों में ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, टकराएगा ही टकराएगा, है ना। तो चाबहार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इंडिया और ईरान ने क्या किया है, 10 साल का एक एग्रीमेंट किया है, 10 साल का एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत हम क्या करेंगे, जो आपका पूरा यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, या फिर जिसे हम सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, इसके बाद में आपका पूरा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ये सभी जो क्षेत्र होंगे यहां से हम ट्रेड करेंगे ईरान के चाबहार पोर्ट से, है ना, और जिसके कारण हमको पाकिस्तान को बाईपास करने में मौका मिल रहा है। अब हम डायरेक्टली ईरान के इस चाबहार पोर्ट में अपना सारा सामान वहां पर ले जाकर के क्या करेंगे, वहां पर उसका स्टोरेज करवाएंगे और वहां से फिर हम चाहे रोड के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो, चाहे एरोप्लेन के माध्यम से हो, हम क्या करेंगे अपना ट्रेड रिलेशंस जो है इन पूरे क्षेत्रों से बढ़ाते चले जाएंगे, और ये भी क्या होंगे, ये सब हमको करना होगा किसके, पाकिस्तान के सहायता के बिना। पहले कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड रिलेशन रहा है वो पाकिस्तान पर थोड़ा सा डिपेंडेंट हो गया था क्योंकि हमें पाकिस्तान के रास्ते से जाना पड़ता था, अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली ट्रेड रिलेशंस बना सकते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने बातों बातों में ही देख लिया, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ईरान, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में,
फिर से चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार आपके पास में ऑप्शन अलग होंगे। क्या ये गल्फ ऑफ ओमान में है, क्या ये पर्शियन गल्फ में है, क्या ये गल्फ ऑफ कम्बत में है, या फिर इनमें से किसी में नहीं है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी देंगे। क्या ये ओमान की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में है, कम्बत की खाड़ी में है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान की एकमात्र क्या है, ओशियनिक पोर्ट है, समुद्री बंदरगाह है, और ये जहां पर है वो है आपका गल्फ ऑफ ओमान में, या फिर ओमान की खाड़ी में ही ये क्या है स्थापित है, जहां पर एक मरकान करके क्या है आपका मरकान पोस्ट है। मरकान पोस्ट में गल्फ ऑफ ओमान में स्थापित है ये आपका क्या चाबहार पोर्ट। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और ईरान ने फिलहाल इसमें 10 साल का एग्रीमेंट किया है ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। मैच द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स विद स्पोर्ट्स दे आर प्लेड फॉर, मतलब एक तरफ आपको टूर्नामेंट दिया गया है, ये बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जो पिछले हफ्ते में जिनके खिताब पूर्ण हुए हैं, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो एक एक महीने चले हैं लेकिन ये फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं और इनके विजेता घोषित किए गए हैं, इसलिए हमने इसे क्या किया है अभी कवर किया है। तो एक तरफ है इटालियन ओपन, एलार्डो ओपन, थाईलैंड ओपन और हीरो इंडिया ओपन, और दूसरे तरफ है आपके खेल टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और गोल्फ। आप लोगों को करना यह है, आप लोगों को करना है मैच द फॉलोइंग और फिर यहां से ऑप्शन चूज करने हैं, और ऑप्शन चूज करके आप लोग क्या करेंगे इसका जवाब देंगे। ये यहां पर टू है, जल्दी करेंगे तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इटालियन ओपन जो है वो टेनिस के लिए खेला जाता है, टेनिस के लिए ही इसको क्या किया जाता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाती है। जो एलॉर्डा ओपन है इसको बॉक्सिंग के लिए ही किया जाता है, थाईलैंड ओपन जो है वो बैडमिंटन के लिए होती है, और हीरो इंडिया ओपन जो होता है वो गोल्फ के लिए होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों के लिए सही। Who clinched the Thailand Open title recently? अब ये जो थाईलैंड ओपन है इसका खिताब किसने जीता है, थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता है? क्या ये सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं? क्या ये ईगा स्वैतिक है, क्या ये निखत जरीन और मीनाक्षी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो आप लोगों को पता है निखत जरीन और मीनाक्षी जो हैं ये हमारी बॉक्सर्स हैं, और निखत जरीन 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रही हैं बॉक्सिंग में। ईगा स्वैतिक ये टेनिस से संबंधित हैं, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है, और जो थाईलैंड है ये है किससे संबंधित, बैडमिंटन से। अभी हमने देखा थाईलैंड ओपन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, और हमारी जो भारत की स्टार जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, इन्होंने थाईलैंड ओपन जीत करके इस साल दूसरा वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने मार्च में ही फ्रेंच ओपन भी जीता था, बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन, और दूसरा इन्होंने जीत लिया है क्या थाईलैंड ओपन, और ये बन गए हैं हमारे भारत के थाईलैंड ओपन के विजेता। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स वॉन इन एलॉर्डा कप बाय इंडिया, भारतीय टीम द्वारा एलॉर्डा कप में 2024 में जो हुआ ये हुआ है कहां, कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में होने वाला ये जो आपका एलॉर्डा कप था ये कौन से खेल से संबंधित है, अभी हमने देखा ये है बॉक्सिंग से संबंधित। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमने कुल पदक कितने हासिल किए हैं इसमें, क्या हमने 10, 11, 12 या 13 कितने पदक हमने हासिल किए हैं जल्दी बताएंगे। अभी मैंने बताया जो हमारे दो कौन है स्टार बॉक्सर्स हैं, एक है आपकी कौन निखत जरीन और दूसरी है कौन मीनाक्षी, इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद में हमारे पास 2 और हमारी बॉक्सिंग की स्टार्स हैं जिनका नाम है क्या, एक का नाम है आपका इनका नाम है अनामिका और मनीषा, ये दोनों ने क्या जीता है 2 सिल्वर जीते हैं,
इसके साथ ही हमने कितना जीता है, 8 ब्रोंज भी जीते हैं, है ना, 8 ब्रोंज भी जीते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है मेडल टैली, ये हो जाता है 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारे लिए सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एलार्डो कप 2024 में निम्नलिखित में हुए स्वर्ण पदक की मांग किसने की। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, इग्नोर करेंगे इसको। Who amongst the following clenched gold medal in Elorda Cup? ये पूछा जा रहा है Elorda Cup में हुए जो आपका बॉक्सिंग का कॉम्पिटिशन रहा है उसमें किन किन व्यक्तित्व ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी हमने बात की है क्या, निखत जरीन और मीनाक्षी ने हमारे पास में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो अगर हम ऑप्शन में देख लें, क्या ये ओनली वन है, तो नहीं है। क्या वन, क्या टू ओनली है, क्या सिर्फ मीनाक्षी है, तो वो भी नहीं है। वन एंड टू है मतलब मीनाक्षी और निखत दोनों है, तो बिल्कुल सही है। क्या वन थ्री और फोर है, तो नहीं, क्योंकि अनामिका और मनीषा ये जो है इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी सही, वन एंड टू। अगला देखते हैं, कैप्टन फैंटास्टिक इज अ डॉक्यूमेंट्री मेड अपॉन विच अमंग्स द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। कैप्टन फैंटास्टिक नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका किस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। क्या ये कपिल देव है, क्या ये एमएस धोनी है, क्या ये भाईचुंग भूटिया है, या फिर ये सुनील छेत्री है। बहुत अच्छे से इसको हमने डील किया है कल की हमारी वीडियो में, यानी कि 22 मई की वीडियो में। जल्दी से इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सुनील छेत्री। ये हमारे भारत के 39 वर्ष के क्या है, एक फुटबॉल प्लेयर हैं, जो एकमात्र ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें भारत में खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। एकमात्र फुटबॉलर हैं जो खेल रत्न से सम्मानित हैं। ठीक है, तो फीफा ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है क्या, कैप्टन फैंटास्टिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which cricket player या फिर players lost their wickets owing to the rule of obstructing the field? Obstructing the field के नियम के कारण किस क्रिकेटर खिलाड़ी या फिर खिलाड़ियों ने अपना विकेट खो दिया था? तो क्या ये रविंद्र जडेजा है, यूसुफ पठान है, अमित मिश्रा है, या फिर ये सभी के सभी हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं obstructing the field क्या है नियम क्रिकेट का। क्रिकेट में ये नियम है कि जो बैट्समैन है अगर वो किसी फील्डर को या फिर उसके तरफ आने वाली जो बॉल है, अगर वो रनिंग कर रहा है और उसको थ्रो किया गया है बॉल को विकेट में पड़ने वाली, उसको पता है कि उसका विकेट चला जाएगा, तो वो एक अनैतिक कार्य करता है और उस बॉल को क्या कर देता है, रोक देता है, है ना, मतलब डिस्टर्ब करता है। तो किसी फील्डर को या किसी बॉल को डिस्टर्ब करने पर बैट्समैन को ये बोला जाता है कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, और ऐसा बोल करके इन्हें क्या कर दिया जाता है, आउट घोषित कर दिया जाता है, इनका विकेट गिरा दिया जाता है। हाल ही में रविंद्र जडेजा जो रहे हैं हमारे आईपीएल 2024 में, इन्हें क्या किया गया है, इस नियम से आउट किया गया है। यूसुफ पठान जो रहे हैं इन्हें 2013 में ही आउट किया जा चुका था इस नियम से, और अमित मिश्रा को 2019 में। इसलिए हमारे पास में जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा था जो 22 मई को हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डील किया था सब्जेक्टिव, उस पर बेस्ड हमारा एमसीक्यू सेशन। हम अगले मंडे को आपके सामने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स लेकर के अब उपस्थित होंगे, जो कि आपका इस हफ्ते में चल रही सभी प्रमुख घटनाओं पर बेस्ड होगा। ट्यूजडे को उसका हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वेडनेसडे को हम फिर से ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेके आएंगे इस हफ्ते जो कुछ भी चल रहा है उसका, और फिर थर्सडे को उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये प्रक्रिया जब हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो हम अपने एग्जाम में ऑब्वियसली एक्सेल करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।